कुछ भी चिपकना नहीं चाहिए। हाँ बिस्मिल्लाह। व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, हवा चल पड़ी है तेज, लेकिन हवा ठंडी है माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल मलिक फरीद और आज मैं जा रहा हूँ मदीनतुल मुनव्वरा, और सिर्फ मदीना नहीं जाना, मदीना से आगे बहुत सारा सफ़र करना है इंशाल्लाह। यहाँ से मक्कतुल मुकर्रमा से निकलकर आज का डिनर भी मदीना में करेंगे, और एक बड़ी स्पेशल चीज़ है मदीना में जो जाके खाएँगे। चलें जी, मदीना की तैयारी होगी। थैंक यू टू अब्दुर्रहीम। अब्दुर्रहीम से गाड़ी ली है मैंने, लेकिन अभी जाना है मेरे एक दोस्त को लेने जिसका नाम है माजिद, अब्दुल माजिद नाम है, माजिद सब लोग कहते हैं उसे, और वो भी जाएगा हमारे साथ। माजिद मेरा बचपन का दोस्त है, काफ़ी अरसा एक साथ गुजारा है, काफ़ी ट्रैवल किया है एक साथ, हम लोगों ने पहले भी घूमने फिरने जाते थे, लेकिन इस बार काफ़ी अरसे बाद वो मेरे साथ आ रहा है क्योंकि वो बिजी था। कल से ठीक ठाक मौसम मक्का का, हवा आंधी और बीच बीच में ठंडी हवा भी शुरू हो जाती है, लेकिन बारिश नहीं हो रही। यहाँ पर ट्रंक में मैंने अपना सारा सामान बिखेर दिया, अब माजिद भाई का कुछ सामान होगा। ये हमारे माजिद भाई हैं आज के हमारे हम सफ़र मदीना के। अब थोड़ा गाड़ी वाड़ी चेक करवाते हैं क्योंकि हम लोगों ने लंबे सफ़र पे जाना है, तो उसके लिए टायर वगैरह और गाड़ी चेक करवा के यहाँ से हम लोग दूध लेके पियेंगे। एक बड़ा स्पेशल दूध मिलता है यहाँ से, वो लेके पियेंगे। पहले मैं मास्क ले लूँ। ये शॉप है, बड़े अरसे से यहाँ से मैं दूध लेके पीता हूँ, ताज़ा दूध होता है इनके पास, अच्छा होता है, शोहदा में है, और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ये दूध है ठंडा, इसमें बादाम वगैरह होती है अंदर। असली माल रह चुका है अंदर ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें डाल के देते हैं दूध में। ये कुलवंजी है, अदरक और सेनमन, दालचीनी, हबरिशात, काफ़ी चीज़ें होती हैं, और हल्दी, हल्दी भी डाल के देते हैं। यहाँ पर हम लोग रुके हैं टायर चेंज करवाने के लिए, और मगरिब की अजान भी होने लग गई है, और मौसम मक्का का देखें बहुत ही ज़बरदस्त है। और वो जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये जबल नूर है, ग़ार हिरा, इसकी मुकम्मल वीडियो मैंने बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लें। टायर लगवा लिए हैं, लाइनमेंट करवा लिए, सब कुछ कर लिए है, और इशा भी होने वाली है। 10:23 हो गए हैं और हम लोग अभी तक मक्का में हैं, और ये गाड़ी देखिए कैसे पूरा साबुन लगा हुआ है गाड़ी में, भाई सब धो रहे हैं गाड़ी। आखिरी काम रह गया था गाड़ी धुलाने का, वो भी हो गया, अब इंशाल्लाह निकल जाएंगे। टाइम पे 2:18 है और हम लोग मदीनतुल मुनव्वरा की हदूद से गुजर रहे हैं। ये है हदूद। 10:23 थे जब आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने दिखाया था, फिर रास्ते में थोड़ा सा पानी वगैरह के लिए रुके थे, उसके बाद कंटिन्यू किए और अभी इस टाइम पे पहुंचे हैं हम लोग मदीनतुल मुनव्वरा में अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे होटल लेंगे, होटल लेने के बाद वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे फजर की अजान तक, क्योंकि अजान होनी है 4:44 पे, और हमारे पास 2 घंटे होंगे इंशाल्लाह। और ड्राइविंग की मैंने तकलीफ दी है मज्जू भाई को, मज्जू भाई ड्राइव कर रहे हैं। माजिद भाई ने तकरीबन 300 किलोमीटर ड्राइव किया, सही बात है ना? आपने सबको सही कहना है, गलत तो आप कह नहीं सकते। नहीं, बचपन के दोस्त का ये फायदा होता है कि हाँ जो भी हाँ बोलो हाँ में हाँ बनाई जाओ।
फजर टाइम हम लोग आके पहुंचे थे मदीनतुल मुनव्वरा में, और उस टाइम फिर फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद नबवी से आके सो गए, फिर जोर के उठे, फिर गए नमाज पढ़ के आ गए। अब तैयारी की है तो अब व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं वापस। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिनर शेयर करना है तो इसका मतलब है करना है। आज का डिनर जो है ना बड़ा ज़बरदस्त होना है। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं मस्जिद नबवी, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम अर्ज करेंगे, असर की नमाज पढ़ के, अभी अजान होने वाली है, कुछ मिनट ही रह गए, तो सलाम अर्ज करने के बाद फिर थोड़ी देर हो जाएगी तो फिर जाएंगे हम लोग। असर की अजान हो रही है और यहाँ पर तवक्कल ना चेक करवा के जाना पड़ता है कि आप इम्यून हैं या नहीं है। मस्जिद नबवी में दाखिल होने के लिए आपको इम्यून होना लाजमी है। मदीनतुल मुनव्वरा, आज अच्छा मौसम है, थोड़े थोड़े बादल हैं, धूप कम है काफ़ी माशाल्लाह, रोज़े रसूल। आप यहाँ पर ये नशीद सुने, खूबसूरत नशीद। جفن المسافر ما غفا مفضى حبا ووفا وإلى المدينة هازنا شوق لقرب المصطفى قلوبنا دروبنا تاقت إلى المصطفى موعد للقاء من هنا أشرقا والدرب زان مع القرآن ارتقى شاننا في المعالي ارتقى نبراسنا في العلا عنوان وهنا شع السنا من حولنا بالأدنى عنا فرض يا إلهنا يا الله وهنا شع السنا من حولنا بالأدنى عنا فرض يا إلهنا يا الله يا مجيب الدعاء جفن المسافر ما غفا مثفض حبا ووفا وإلى المدينة هازنا شوق لقرب المصطفى قلوبنا دروبنا حلمنا طيبات حيث إحساسنا عامر بالهدى مزدان فبها روضة أحمد زانها مثله لن ترى إنسان माशाल्लाह खूबसूरत बिल्ली मस्जिद खुबा के अंदर। बस मसाज करो अच्छे से, कमर से हाथ पैर सुना था। बिल्ली के कमर पे हाथ फेरना सुनना था, देख लें फिर मस्जिद खुबा के अंदर। लो जी चलें जी, अल्लाह हाफिज़, अलविदा अलविदा। बहुत खूबसूरत और साफ सुथरी बिल्ली है माशाल्लाह मस्जिद खुबा के अंदर। अभी हम मस्जिद कुबा से निकल रहे हैं और बाकी रह गया है डिनर। बस आप लोगों को काफ़ी कुछ दिखाया है मदीनतुल मुनव्वरा से, बाकी डिनर है।
डिनर इंशाल्लाह आप लोगों को अभी करवाते हैं, सीधा जाते हैं डिनर की तरफ। यहाँ पर हम लोग अपनी स्पेशल जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ से हमने डिनर करना है, और आपको ज़रा माहौल दिखाते हैं। और यहाँ पर हमारे एक भाई भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, ये सामने शेख ज़ुबैर। अस्सलाम अलैकुम। ये शेख ज़ुबैर साहब ने मेरे लिए गाड़ी मंगवाई है। देखने के लिए? अच्छा, बैठने के लिए नहीं है? वीडियो बना सकते हैं। अच्छा, फिर सही है। और काफी खूबसूरत जगह बनी हुई है, यहाँ पे अक्सर लोग आके बैठते हैं। ये दरवाजे में अंबर खजूर भी रखी हुई है, ये भी खाते हैं अभी थोड़ी देर तक। और ये गाड़ियाँ आपको दिखा दूँ ज़रा मैं, और ये गाड़ी एक और माशाल्लाह खूबसूरत पुरानी, आई थिंक रोल्स रॉयस है, नहीं ये ब्रांड है गाड़ी, काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर काफ़ी किस्म की मजलिस हैं, ये रुबात कमरिया, ये रुबात हिंदी, और आगे रुबात मक्का है, मिलका रुबात मिलका। यहाँ पर रुबात हिंदी इंडियन बॉन्ड में बैठने लगे हम लोग। शेख ज़ुबैर पहले, शेख माजिद बाद। थैंक यू, शुक्रिया फरीद साहब, जज़ाकअल्लाह खैरन। ज़ुबैर भाई जी जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक है, बहुत खुश है। बस बस, यहाँ पे छत भी पुराने स्टाइल में बनी हुई है, लाल टीन वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे ताकि एक सही माहौल नजर आए पुराना। और ये जो दीवारें हैं यहाँ पे, दीवारें आपको दिखाऊं जैसे मिट्टी की पुरानी दीवारें होती थी ना हमारे गांव में, उस तरह की। यहाँ पे थोड़ा सा पुराना नज़र आ रहा है, पुराना मतलब नया, और नया मतलब पुराना, समझ जाना आप लोग खुद। ये हमारे माजिद भाई की बचपन के खिलौने इधर लटकाए हुए हैं, अभी मैंने पूछा इनसे, कहते हैं हाँ मैं खेला हूँ बचपन। हाँ माजिद भाई, खेले हैं इसके साथ आप? कभी गिरे थे इससे? नहीं गिरे? तीन टायरों वाले कौन गिरे? तीन टायर वाले नहीं, तीन पहिए। इसके बड़ा भाई है, उसने धक्का दिया हो तो गिरा होगा शायद, धक्का दिया था। अजीम सुन रहा है ना, तो ये कह रहा है अजीम ने मुझे धक्का दिया, मेरे बड़े भाई ने, इसको तूने धक्का दिया ये गिरा है, ठीक है ना। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहु। ये हमारा ऑर्डर आ चुका है, सबसे पहले इनका ये दस्तरखान ये बिछाएं और उस पे रखें ये ट्रे, और इसके अंदर जादू है जो छुपा हुआ है, जो चीज़ आप लोगों को स्पेशल दिखानी थी मैंने मक्का से आप लोगों को मैं लेके आया हूँ ये चीज़ दिखाने के लिए। चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह, कुछ भी चिपकना नहीं चाहिए। हाँ बिस्मिल्लाह, वाह माशाल्लाह। दिखाएं इसके अंदर कुछ बाकी? एक चीज़ है बाकी, अब ये चम्मच नहीं है, लेकिन कोई बात, मैं अभी हाथ धो के आया हूँ। माशाल्लाह तबारकअल्लाह, इसको कहते हैं मगलूबा, और ये बहुत ही स्पेशल खाना है। सबसे पहले हमें हमारे ज़ुबैर भाई ने खिलाया था, तो तब से मैं सोच रहा था कि दोबारा से जाके खाना है इंशाल्लाह, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी चम्मच नहीं है मेरे पास, तो ये मैं आपको दिखा दूँ। और यहाँ पर हमारे पास समोसे भी आ चुके हैं, ये मिक्स समोसे हम लोगों ने मंगवाए हैं, और वही एक घरेलू माहौल वाला सिस्टम है यहाँ पर। और ये पेप्सियाँ पुराने ज़माने की जिस तरह मिलती थी, ये मेरे दोस्तों के लिए। और अब मैं इसका ऑपरेशन करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ है। ये है इसके अंदर, यहाँ पर पोटैटो डाला हुआ है, बैंगन, बैतिंजान अरबी में कहते हैं, मिक्स सब्ज़ी हैं, सारी मिक्स सब्ज़ी हैं, और साथ साथ यहाँ पर है मुर्गी। और अब हम लोग शुरू करते हैं, अब इसको टेस्ट करके थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, और मेरे दोस्तों का जो है ना हालात ख़राब हो रहे होंगे कि ये अकेला खा रहा है, लेकिन आप दोनों से माजरत। बिस्मिल्लाह, सब्ज़ी और मुर्गी, और जो इसके अंदर उन्होंने ठीक ठाक जो है ना, जो पानी था ना इस सालन का, वो भी साथ में आ रहा है,
तो एक बड़ा ज़बरदस्त जायका बन रहा है। अब समोसे ट्राई करते हैं और समोसे देखते हैं, ये स्पेशल समोसे हैं यहाँ के। बिस्मिल्लाह, गोश्त वाले समोसे ज़बरदस्त, रमज़ान की याद आ गई मुझे तो। जिस तरफ जा रहे हैं हम लोग, ये ऐसे ही समझे उनका रेजिडेंट हाउस था, या दीवान जिसको कहते हैं, जो शहनशाह का महल होता। ये जो पुराने लोग रहते थे, इनका जो रूलर होता था वो इस जगह पर बैठता था और अपने फैसले करता था। और ये जगह इसलिए उसने चूज़ की क्योंकि